हाँ जी, सुनियो फिर आप पे चर्चा करते हैं। इतिहास च इदां लिखिया, अपना दिमाग भी तो है ना, इतिहास पूरा नहीं हुंदा भावें कोई गिला करे। मत है साढ़े आले पता नहीं किहड़ा इतिहास बनाई जाणगे। तौड़ी मारी जी रात नूं चले गए जी, बगाने पुत ताड़ी मार के नहीं निकल दिंदे किसे नूं। आखे जी इतिहास च इदां लिखिया, अपना दिमाग भी तो है ना, इतिहास पूरा नहीं हुंदा। हाँ जी भाई बंदा सिंह, दो दिक्कतां तुहाडे इस बयान दे विच ने। मैं तुहानूं अगे वी बेनती कीती सी कि थोड़ा जिहा जिहड़ा ना संगत च संभल के विचरना हुंदा है। तुसीं सब तों पहला जिहड़ा तुसीं इह आख्या है कि इतिहास अधूरा हुंदा, साडे अपना भी दिमाग च हुंदा ना। इसे गल की लड़ाई तो असीं मिशनरियां नाल लड़दे पए हां कि उह साडे सीना बसीना आउंदे इतिहास नूं विगाड़ के ते अपना दिमाग विच वाड़न की कोशिश करदे पए हां। तुसीं कहा इतिहास अधूरा हुंदा है, फिर असीं किहड़ा इतिहास पूरा मनीए, किहड़ा अधूरा मनीए? कि बाबा बिधी चंद का इतिहास पूरा मनी असी, क्योंकि एक ही किले विच दो बारी वड़ के घोड़े चोरी करना, बगाने पुत कर देंदे किसे नूं, या फिर दुशाले वाली गल मान ली आपां वी किसे दे किले च वड़ के दुशाले चोरी करके उत्थों निकल आउणा, बगाने पुत आउण देंदे किसे नूं। इदां हुण इह इतिहास पूरा कि इतिहास अधूरा, इहदे बारे तुसीं संगत नूं जाणू करवा दिओ। सीना पसीना असीं कहिंदे आ जिन्हां दे कोल, देखो दो हुंदे, इक हुंदे मिरासी इक हुंदे अताई। मिरास हुंदा खानदानी जिहदे कोल पूरी समगरी हुंदी है जिहड़ी सीना पसीना चलदी है। अताई जिहड़े नवे हुंदे ने जिन्हां दा कोई खानदान नहीं हुंदा। तुहाडा सत्कार तां है कि तुहाडे नाल बाबा बिधी चंद महाराज जी दा नां जुड़िया होया, पर तुसीं मैनूं लगदा उन्हां नूं वी जिहड़ा दूषित करोगे इहो जिहे सवाल लोकां दे मनां च पा के। हुण तुसीं खुद दसो कि बाबा बिधी चंद वाला इतिहास पूरा मन्नीए कि अधूरा मन्नीए असीं? जे तुसीं जे असीं अपना दिमाग वरतीए ते दिमाग ते खता खा जांदा है वी यार इक्को किले च दो वारी वड़ के ते इक्को बंदे नूं दो वारी मूर्ख बणाउणा किड्डा क वड्डा काम है ना। दूजी गल अपने दिमाग वरतन की तुसीं गल कीती है ना, सीना पसीना असीं कहिंदे जिन्ना को खानदानी जिहड़ा गुण हुंदा, जिवें असीं भाई मरदाने के कहने, बाबे के कहने, रबाबी सिंह कहने, इन्हां को तीन तीन चार चार सौ पांच पांच सौ साल पुरानी बंदिशां ने। सो तां इह सीना पसीना इह भाई मरदाने के आ। आप जी को सवाए नाम दे होर की बाबे दी चंद महाराज जी दा, जिहड़ी कथा तुसीं भाई मान सिंह झोर वर्गी करदे हो उन्हां दी तुसीं नकल करदे हो। जे तुसीं उन्हां दी नकल करदे तो भाई उन्हां को तार्किक बुद्धि भी सीखोगे, तर्क किवें देईदा हुंदा है, थोड़ा जिहा मेहनत करिया करो भाजी। हुण तुसीं गल आखी कि बगाने पुत किवें निकले दिंदे गली दे विच, मारे ताड़ी मार के नहीं निकले। सो मैनूं तुसीं शायद, क्योंकि मैं अक्सर कहिंदा हुंदा कि सानूं अपने ग्रंथां दे नाल बाहरले ग्रंथ पढ़ने चाहिए, घटनावां देखणियां चाहीदियां, वॉचनियां चाहीदियां, ऑब्जर्व करनियां चाहीदियां ने, क्योंकि असीं योधे रहे हां ते सानूं दुनिया भर दे योधे देखणे चाहीदे ने, है ना। सो इहदे विच असीं देखणा है कि उह निकलना। हुण तुसीं, मैं तुहानूं एग्जाम्पल देवांगा इहनूं, तुसीं गुरु साहिब नूं तुसीं इह ना समझो कि मैं किसे नूं गुरु दे तुल्ल कह रहा, क्योंकि जिहड़े इह भेडां ना उह मुड़ के देखो जी गुरु साहिब दी बराबरता करदी है, नहीं ऐसी गल नहीं है। हुण भाई अमृतपाल नूं फड़न वास्ते 85,000 जिहड़ी पुलिस 80,000 पंजाब च आउंदी है, सारे सिंह फड़दी भाई अमृतपाल नहीं फड़िया जांदा, ते किन्नी नमोशी झलनी पैंदी है। पूरा भारतीय मीडिया कुत्ते खाणी करदा पंजाब पुलिस दी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਖੇ ਯੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰਟਲ ਲਾਈਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁਗਲ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੋਟ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖਣਗੇ ਗੜੀ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਗੇ, ਮਾਰਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇਰਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਚ ਬੰਦ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਨੂੰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੰਜਨ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਂਬੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਨ ਚ ਭਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ।
उस वक्त शायद लंबी कहानी फिर तुम सुनावगा मैं ताकि तुम कथा आसानी हो गल खत्म हो जाए जिड़ी गलत कह रहे हो भी इतिहास अधूरा हों दिमाग भी वरत्या करो यो गल मिशनरी कहते जिन्हें करके अं विरोध करते हैं फिर ढाडा सरबजीत धुंदे का जरा फिर दोनों फिर फर्क की दोनों के दसो जे यो गल सरबजीत सिंह धुंदे होनी कहें यो गल जो असं भी कहे तुम संप्रदाई हो तो अंदर गलत शोभा नहीं देंदिया संपर्दा होंगी है सीना पसीना चलो जो तुम बाबा मेरा नाम भी सरगा दिमाग चो बाबा विधि चंद महाराज जी अगर तुम नहीं तेरे को सीना पसीना को कौन है तो घटो घट जिस जिथो पढ़े उतो ही शायद टकसाल चो पढ़े मैं पता नहीं पर उतो ही को सीना पसीना सीख लो भी सीना पसीना किनू कहें सीना पसीना चीजा निखारी का हों तोड़ी का नहीं हों जे असी उस रात तुर पाएंगे ना फिर कल उन्होंने बंदे कहे लो जी ता बंदा भी जो कहें फिर उन्होंने तुम क्यों नहीं रोकते असं क्यों मौका देने बगाने पुतों यह गल कह सो गुरु कलगी धर पिता ताड़ी मार के निकले से औरंगजेब हारिया क्योंकि 10 लाख फौजा के ना तो महाराज शहीद कर सके ना गिरफ्तार कर सके यह हार है मुगली सल्तनत की जिमें हल्दी घाटी च हुई सी हार जिमें पंजाब पुलिस की हुई सी हार अमृतपाल सिंह ने सो थोड़ा दिमाग वरत भी लिया करो संगतान तो पकई चाहिए होंगे ना पर दिक्कत पता की है गुरबाणी का बचन माया कारण विद्या बेचो जन्म अबिलथा जाई जिहड़ा माया कारण विद्या वेचदा ना घंटे घंटे बदी में आवांगे इन्हें पहला लवांगा 50,000 लवांगा 500 डाल लवांगा 1,000 डाल लवांगा 1 घंटे कथा करांगा जो माया जो ब्रह्म का ज्ञान विकन ते आ जाता ना तो फिर जी विद्या खल जाती है अपना तो जन्म अबिलथा जाता ही है फिर जो दूसरा सुनने वाला वह भी जाता है सो संगत उन्हें शंका च ना पाओ निरोग गुरबाणी की कथा करो ज्ञानी मार सिंह झोरना तो सीखो किवें तर्क दे देने कथा सिख उन्होंने कथा तो बड़ी अच्छी कॉपी करते लगता भी वाकई बाबा सारा झोर ही बोलन दिया स्टेज पर बैठा है तुम उन्होंने थोड़ी तारकिक बुद्धि भी सीखो ताकि होर जरा अगान चल के नौजवान प्रचारक हो तुम पंथ की कमान सामने प्रचार दे चल के सो थोड़ा चढ़ती कला चलिया करो एवं ढेंदी कला ना करो हाँ जी भाई बंदा सिंह जी दो दिक्कत इस बयान के मैंने तुम अगे भी बेनती की थोड़ा जहां ना संगत च संभल के विचरना होंगे ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਬਗਾਨੇ ਪਤਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧੂਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 2 ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਿਰਾਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਤਾਈ ਮਿਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਕਿਲੇ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 300-400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਸਵਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰ ਵਰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਰਕਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਤਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਦਿੰਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ 85,000 ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ 80,000 ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਫੜਦੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
इस तरह अगर तुसी महाराणा प्रताप का युद्ध वेखो तो जो महाराणा प्रताप भखे युद्ध चो निकल जाता है मुगलिया जो फौजा ने पिछा करके हार दिया ने ते ओ दंद पीस के रह जांदियां ने कि जिस काम वास्ते आए सीगे ओ काम नहीं हो सकिया। सो गुरु कलगीधर नूं औरंगजेब ने 10 लाख फौजां भेजिया सी जिंदा या मुर्दा पकड़न वास्ते। जदे गुरु साहब शहीद हो जांदे गढ़ी दे विच तां वी औरंगजेब जित जांदा सीगा, जे गुरु साहब उत्थे पकड़े जांदे जिंदा ते तां वी औरंगजेब जिहड़ा ओ जित जांदा सीगा। पर उत्थे जिहड़ा उहना स्ट्रगल लाइट अद्धी रात नूं मारे निकलदे ने, 4 ताड़ियां वजदे ने पीर हिंद मेहर वध कह के ना, स्टड लाइट लाके बैठे ही मुगल बी जरा बिलकुल लाइट पेगी तो स्पोर्ट लाइट होगी देखने गड़ी हनेरी रात है दूर बैठे ने लागे महाराज आ नहीं दे रहे किसी तीर की इनी मार है कि लागे नहीं आ सकते। सो जो महाराज निकले गली चो उ रात नाड़ी बजी चार पास पीर हिंद मेरवा की आवाज आई है फौजा जी आपो च बंद लगी बी ओ कसम पाश ए नु गए कोई कहना ए नु गए कई कहना ओनू गए आपसी उन्हें खिचो तान महाराज दूर निकल जाते हैं। सो किड्डी वड्डी गल सी संजन नाल सिंह बॉम्बे निकल के नहीं आए, साडे खाड़कू सिंह मन च भरे मन चो निकल के नहीं जाते, किड्डे बगाने पुत शेर ने जिहड़े नहीं निकले देंदे। निकल तो भाई अमृतपाल भी गया सी, हां जी निकल तो महाराणा प्रताप भी गया सी। तुसीं अगर होर युद्ध देखो तो बड़े बड़े निकल जाते ने, निकल तो हिटलर भी गया सी, जे ना निकलता उन्हूं मार देंदे हिटलर नूं उस वक्त। शायद लंबी कहानी फिर तुम सुनावांगा मैं ताकि तुम कथा आसानी हो गल खत्म हो जाए। जिड़ी गलां तुसी कह रहे हो भी इतिहास अधूरा हुंदा है ते दिमाग भी वरत्या करो, इहो गलां ते मिशनरी कहिंदे जिन्हां करके उन्हां दा विरोध करदे आ, फिर तुहाडा ते सरबजीत धुंदे दा जिहड़ा फिर की दोनां दा फिर फर्क की दोनां दे विच दसो। जे इहो गलां सरबजीत सिंह धुंदे होणी कहिंदे इहो गलां जे असीं वी कहांगे तुसीं संपरदाई हो तां दे गलां शोभा नहीं देंदियां, संपरदा हुंदी है सीना पसीना। चलो जदों तुसीं बाबा मेरा नाम ही विसर गया दिमाग चो, बाबा बिधि चंद महाराज जी का अगर तुसी नहीं तेरे को सीना पसीना को कौन है तो घट्टो घट जिस जिथो पढ़े उतो ही शायद टकसाल चो पढ़े मैंने पता नहीं, पर उतो ही कोई सीना पसीना सीख लो भी सीना पसीना किनू कहते हैं। सीना पसीना चीजा निखारी का होंगे तोड़ी का नहीं होंगे, जे असी उस रात तुर पाएंगे ना फिर कल उन्होंने बंदे कहे लो जी ता बंदा भी तो कहता फिर उन्होंने तुम क्यों नहीं रोकते, असं क्यों मौका देने बगाने पुतों यह गल कह। सो गुरु कलगीधर पिता ताड़ी मार के निकले से और औरंगजेब हारिया सी क्योंकि 10 लाख फौजां दे विचों ना तो महाराज शहीद कर सके ना गिरफ्तार कर सके, यह हार है मुगलिया सल्तनत की जिवें हल्दी घाटी च हुई सी हार, जिवें पंजाब पुलिस की हुई सी हार अमृतपाल सिंह ने। सो थोड़ा दिमाग वरत भी लिया करो, संगतां तो पके ही चाहिए होंगे ना, पर दिक्कत पता की है गुरबाणी का बचन माया कारण विद्या बेचो जन्म बिरथा जाई, जिहड़ा माया कारण विद्या बेचता ना घंटे घंटे बदी में आवांगा इन्हें पहलावांगा 50,000 लवांगा 500 डॉलर लवांगा 1,000 डॉलर लवांगा 1 घंटे कथा करांगा, जो माया जो ब्रह्म का ज्ञान विकंत आ जाता ना तो फिर जी विद्या खर जाती है अपना भी जन्म बिरथा जाता ही है फिर जरा दूसरा सुनने वाला वह भी जाता है। सो संगत उन्हें शंका ना पाओ, निरोग गुरबाणी की कथा करो, ज्ञानी मार सिंह झोरना तो सीखो किवें तर्क देते हैं कथा सीख उन्होंने कथा तो बड़ी चीज कॉपी करते लगता भी वाकई बाबा सारा झोर ही बोलन दिया स्टेज पर बैठा है, तो तुम उन्होंने थोड़ी तारकिक बुद्धि भी सीखो ताकि तुम होर जरा अगान चल के नौजवान प्रचारक हो तुम पंथ की कमान सामने प्रचार दी चल के। सो थोड़ा चढ़ी चढ़ती कला चलिया करो, एवं ढंग की कला ना करो।